अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का जवाब देने वाला हूं, कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कंपनी चेंज करने के लिए हम दो कंपनी में गए, बोलता है हमारी कंपनी में आने के बाद दोबारा चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कंपनी में आप मत जाएँ, क्योंकि ऐसी कंपनी के जो मुदीर होते हैं उन लोगों का बिल्कुल जो है दिमाग छोटा होता है, उन लोगों की सोच बिल्कुल छोटी होती है। वो सिर्फ लोगों को लाना चाहते हैं, लोगों को देना नहीं चाहते हैं। तो आप ऐसी कंपनियों में चेंज करने से पहले पहले क्लियर कर लें कि आपको एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद अगर आप दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी का मुदीर आपको बोलता है कि इस कंपनी में तो आ सकते हैं लेकिन इस कंपनी से चेंज करके जा नहीं सकते हैं, तो इस तरह के जो मुदीर होते हैं वो हरामखोर होते हैं, लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरह का मैंने वर्ड का यूज़ किया है, इस तरह वर्ड का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे मुदीरों के लिए निकल जाता है जो कि वर्करों का खून चूस करके अपनी कंपनी में रखते हैं। क्योंकि कतर में जो वर्कर परेशान रहते हैं ऐसे ही छोटे सोच की मुदीरों की वजह से, तो आप लोग ऐसी कंपनियों से दूर ही रहा करें। इस वीडियो के अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, हेलो दोस्त, हमें ये बताओ कि मैं इधर से हाथ वीज़ा दे रहा हूँ तो मुझे नेपाल में मेन पावर की साइन लेना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर बताओ प्लीज़। इस भाई ने किसी नेपाली बंदे को डायरेक्ट वीज़ा दिया है, अब ये चाह रहे हैं कि नेपाल से इस बंदे को कतर बुलाएं लीगली तौर पर। तो आपके पास में दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि आपने जिस बंदे का वीज़ा निकाला है अगर उसका कोई भाई या ये कि उसका फादर या उसका बेटा अगर कतर में रहता है तो आप उसको एग्रीमेंट दीजिए और वो एग्रीमेंट लेकर के नेपाल एम्बेसी में जाएगा और वहाँ से क्लियरेंस करवा करके फिर वो नेपाल भेज देगा। इस तरह वो आदमी नेपाल से कतर जा सकता है। और दूसरा जो लीगल तरीका है वो ये है कि आपको नेपाल में किसी मेन पावर को वकील बनाना पड़ेगा और उस मेन पावर वाले को बोलिए कि मेरे पास में इतना वीज़ा है, इतना बंदा नेपाल से कतर आने वाला है, तो आप इसको सरकारी तौर पर लीगल डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए। तो वो मेन पावर वाला आपसे कंप्यूटर कार्ड, सीआर कॉपी, इसी तरह रुख्सा कॉपी मांगेगा। उसके बाद वो मेन पावर वाला आपको कुछ डॉक्यूमेंट बना करके देगा, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको नेपाल एम्बेसी में जाना है। नेपाल एम्बेसी में उस डॉक्यूमेंट पर साइन और स्टाम्प लगने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को आप फिर नेपाल भेज दीजिए उस मेन पावर वाले को। उसके बाद में वो मेन पावर वाला जितना भी बंदा रहेगा आपकी कंपनी में उस बंदे को भेज सकता है। ये थोड़ा सा झमेला वाला काम है, मेहनत वाला काम है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी भाग और दौड़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये काम आसान हो जाएगा। तो आप किसी मेन पावर वाले से कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में डायरेक्ट बातचीत करें। आज के तीसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं नेपाल से हूँ, आपकी वीडियो 2 साल से देखता हूँ। मैं 2019 में कतर आया, आज़ाद वीज़ा में गया था और मैंने बिना वीज़ा 7 महीना के अंदर मुझे ट्रैवल गेट में मुझे CID ने पकड़ लिया, भाई मैं फिर से कतर जा सकता हूँ या नहीं। इस भाई ने जो कमेंट लिखा है इसमें सेंटेंस बराबर नहीं है, इसीलिए मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने जितना समझा है वो ये कि ये भाई 2019 में कतर गए थे, 7 महीना तक इन्होंने बिना इकामा के काम किया है, इसी बीच में CID वाले ने उसको पकड़ कर घर भेज दिया, अब ये कतर जाना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सवाल करने वाले भाई को सजेशन देना चाहूँगा, वो ये कि एक बार आप अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर लेकर के आप किसी को CID में भेजें, वहाँ जाकर के चेक किया जा सकता है कि आपका वीज़ा कब तक निकलेगा या नहीं निकलेगा। और आपने जिस तरह का मैटर अपने साथ ही बताया है तो मेरे ख्याल से आपका वीज़ा 4 या 5 साल के बाद में निकल सकता है, क्योंकि आपने जैसे बताया इससे पता चलता है कि आपके खिलाफ बला गुरूब नहीं लगा होगा। अगर बला गुरूब लग जाएगा तो आपका वीज़ा लाइफ टाइम के लिए कतर में बैन हो जाता है, बिना फाइन पे किए हुए, सिर्फ फाइन पे करने के बाद में आपका एंट्री खुल सकता है। लेकिन आपके कमेंट से पता चलता है कि आपका बला गुरूब नहीं लगा होगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से कम 4 या 5 साल के बाद में आपका वीज़ा निकल सकता है। उससे पहले अगर आप CID में भेज करके जानना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि 4 या 5 साल के बाद में वीज़ा निकल सकता है, ये बात मैं सरोबे ताहिर का एक प्रोग्राम जो कि पुलिस और आवाम करते हैं, तो उस प्रोग्राम में जब ऑफिसर से इस तरह का सवाल किया गया तो ऑफिसर ने इसी तरह का जवाब दिया था
कि वर्कर को अगर पुलिस इधर उधर कहीं से पकड़ लेती है, रास्ते में उठा लेती है, तो ऐसे लोगों का वीज़ा 4-5 साल के बाद में निकल सकता है। बस ये है कि उसके खिलाफ बला हुरूम न लगा हो। अब आते हैं आज के लास्ट सवाल की जानिब। आज के लास्ट सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, ब्रो मैं 21 नवंबर 2022 को इंडिया गया था और कल मेरी फ्लाइट है, तो क्या मुझे एंट्री परमिट की ज़रूरत है? मेरा कदर आईडी एक्सपायर नहीं है। आपने जैसे बताया है कि आप 21 नवंबर 2022 को कतर से घर गए थे, तो इस हिसाब से आपको भी कतर से बाहर 6 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 महीना से कम ही है, 6 महीना के अंदर ही है, इसलिए आपको कतर वापस जाने के लिए एंट्री परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना एंट्री परमिट के आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और आपका आईडी भी एक्सपायर नहीं है, तो कोई भी मसला आपके साथ में नहीं होगा। एक्सपायर होने के बाद में दिक्कत हो सकती है, इसी तरह 6 महीना गुजरने के बाद में एंट्री परमिट चाहिए।